अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और बनाएंगे हम इसको सूजी और आलू से, जो इसके टेक्सचर को एकदम क्रिस्पी और करारा बनाएगा। तो अगर आपने एक बार बनाकर खा ली तो मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, तो आप अब इसको हफ्ते में दो बार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, एकदम टेस्ट है, इतना फैंटेस्टिक है कि आप इसके लिए आप कचौरी और पकौड़ी सब भूल जाएंगे। तो इसको झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है ये आधा कप सूजी, सूजी मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। तेज गर्म पानी लेंगे इसको और इसमें आधा कप जितनी हमने सूजी ली है उतना ही पानी मिला देंगे फ्रेंड्स। और पानी मिलाने के बाद हमने इसको हल्का से इस तरीके से स्टिर करना है और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही हम अपनी सूजी को छोड़ देंगे, ताकि हमारी सूजी तो है थोड़ी सी फूल जाए। और जब ये फूल जाएगी तो हमने इसमें बॉयल 2 आलू डाले हैं, मेरे पास छोटे साइज के थे तो मैंने 2 डाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास बड़ा साइज का 1 हो तो आप 1 भी डाल सकते हैं। तो इससे जो इसकी बाइंडिंग है, इसका टेक्सचर है, एकदम पकौड़ी वाला टेस्ट देगा। सूजी से इसका टेक्सचर एकदम क्रिस्पी होगा। तो 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने यहाँ पर नमक, 1/4 टीस्पून डाली है हल्दी, हल्दी जरूर डालें, इसका जो कलर है वो इससे एनहांस होगा। और 1/2 टीस्पून डाली है मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ज़रूर डालें, इससे जो कलर जो है हमारा एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। और 1/2 टीस्पून डाली है यहाँ पर मैंने अजवाइन, उस तरीके से रब करके डालें ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो पाए, कोई परेशानी ना करे। और इसमें डाला है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, ज़ीरा भी ज़रूर डालें, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं दोनों चीज़ें। 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी, इस तरीके से हाथों से रब करके। और बहुत सारा हरा धनिया डाला है फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा डालेंगे तो कलर ही इनहेंस होगा, अच्छी लगेंगी। और 1 कप डाला है मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा, आप गेहूं के आटे की बजाय यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल ज़रूर डालना है क्योंकि इससे जो है इसका जो क्रिस्पीनेस है, जब हम फ्राई करेंगे तब एकदम बेहतरीन सी क्रिस्पीनेस लेकर आएगा। तो गर्म पानी से मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है और कुछ इस तरीके का हम टेक्सचर देंगे इसको, जैसे कि हम डेली वाले आटे का देते हैं ना, बिल्कुल सेम वही वाला टेक्सचर देना है हमें। और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर कुछ इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इसको बिल्कुल सेट करके रख देंगे 15 से 10 मिनट के लिए। और जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा आटा हमारा, तब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसकी आटे की लोइयां कुछ इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे यहीं किचन काउंटर पर सेट होने के लिए। तो 5 से 10 मिनट बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है पूरियां बनने के लिए। तो अब मैं अपने हाथों को इस तरीके से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, ताकि ये आटा जो है हाथों पर चिपके नहीं और एकदम बेहतरीन सी हमारी पूरियां बनकर तैयार हो। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और गोल गोल हमने इसकी पेड़े बना लिए हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब से दिखाऊं। तो चलिए इसको बेलना शुरू करते हैं। तो मैंने रोलिंग पिन और रोलिंग पैड ले लिया है, हल्का सा ऑयल लगाएंगे पूरी पर इस तरीके से और इसको प्रेस करते हुए और रोलिंग पैन के पैड की हेल्प से, रोलिंग पिन की हेल्प से इसको अच्छे से हम इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे, कोई किनारी इस तरीके से नहीं निकलनी चाहिए, तो हमारी जो पूरी है वो एकदम अजीब सी लगे। बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेंगे और ज़रा सी सी हल्की सी किनारियाँ इसकी मोटी रह गई थी, तो मैंने इसको बिल्कुल हाथ से इस तरह टैप टैप करके एकदम सेट कर लिया है। तो मैंने ऑयल को पहले से गर्म करके रखा है, तो करीब करके मैं आपको दिखाऊं। तो इस तरह इसका जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा पतली हम बेलेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो चलिए, ऑयल गरम है हमारा तो इसमें डिप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। पहले हम इसे डिप करेंगे और 1 मिनट छोड़ देंगे बिल्कुल ऐसे, जब ये ऊपर फ्लोट होकर आएगी तब हम इसको फुल फ्राई करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं अब तेल के ऊपर फ्लोट हो गई है, तो अब हम इसको फुलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हलवाई वाली ट्रिक से फुलाएंगे फ्रेंड्स। हलवाई लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर तेल डालते रहते हैं, मेरा पैन छोटा है तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिप डिप कर रही हूँ। अगर आपका पैन नहीं या कढ़ाई बड़ी हो तो आप इसके ऊपर तेल थोड़ा सा उछाल कर डाल सकते हैं। इस वाली ट्रिक से आपकी जो कचौरी है बिल्कुल इवनली और सेट बिल्कुल परफेक्टली फूलने वाली है। टर्न कर दिया है फ्रेंड्स मैंने, तो मैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आ रहा है हमारी इस पूरियों का। तो इस
ये अब हम दूसरी तरफ से भी पलट के आपको दिखाते हैं, तो करीब से देखें आप कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है इसका। तो निकाल लेते हैं प्लेट में, और दूसरी वाली भी कुछ इस तरीके से मैं आपको फ्राई करके दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं पहले मिनट में हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और दूसरे मिनट में जब ये ऊपर फ्लोट होने लगेगी, देख सकते हैं आप ऊपर फ्लोट हो गई है, अब हम इसको फुलाएंगे। तो इस तरीके से सेम उसी तरीके से कि डिप डिप करके बार बार इसको इस तरीके से फुला लेंगे हम अपनी इस पूरी को। आप देख सकते हैं कितनी इवनली और परफेक्ट हमारी पूरियां फुली फुली बनकर तैयार हो रही हैं। तो मेरी इस ट्रिक से आप भी कचौरियों को, हर बार कचौरियों को इसी तरीके से या पूरियों को इसी तरीके से फुला सकते हैं। तो चलिए अब हमारी ये जो कचौरियाँ परफेक्टली बनकर तैयार हैं, तो चलिए इनको कर लेते हैं डिश आउट। प्लेटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, मैंने प्लेटिंग की है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी ये रेसिपी को आप अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन पूरियों को अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी ये कचौरियाँ कितनी क्रिस्पी और कितनी करारी बनकर तैयार हुई हैं। फ्रेंड्स, किस तरीके का टेक्सचर है, किस तरीके की इनकी कलर इन्हांस देख सकते हैं आप, कितना प्यारा कलर इन्हांस हो रहा है हल्दी की वजह से, कितना प्यारा कलर आया हुआ है। तो इसका बाइट बनाकर दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।